अब ये लेकर जाएंगे मंडी में और फिर आगे की अपडेट आपको दे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? खैर से ठीक ठाक हैं। तो कराची वापस आ गए थे, 5 दिन हो गए थे, फार्म विजिट नहीं किया था। जाके देखें क्या अपडेट है, क्या सूरत हाल है वहाँ पे, मार्केट की क्या सूरत हाल है। और जा रहे हैं फार्म की तरफ, वकार भाई ने मुझको ले लिया है। और ये रहे हमारे वकार भाई और ये रहे अहमद भाई। सलाम कर दें सर। सर सर सलाम करेंगे सर। वाले सलाम, कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक हैं सर। बस अब हम जा रहे हैं फार्म की तरफ, फार्म पहुंचते हैं तो आपको बाकी की अपडेट देते हैं। तो ये संडे की शाम, संडे का रश, फैमिलीज और बच्चे, बूढ़े जवान सब लोग आए हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, रश देखिए, रश ही रश लगा हुआ है। शेड बन गया है, काम पीछे का तकरीबन मुकम्मल हो गया है। लाइट नहीं आई है अभी, लाइट लगाना बाकी है। ये छोटू छोटू मुन्ने जो हैं इधर खड़े हुए हैं, खाना छाना खा रहे हैं। गायें खड़ी हैं। तो ये एक्सटेंशन है हमारे फार्म की, माशाल्लाह से पहले यहाँ तक था, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है, हमने थोड़ी सी एक्सटेंशन करी है, छोटी सी, गरीबों वाली, गरीब। तो ये है यहाँ की सूरत हाल। ये होता है रियल प्रैंक। ये 25-30 के दिन नहीं कर रहा। तो अपने फार्म से फारिग हो के हम एक और दोस्त के फार्म में गए, वहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक किया, थोड़ा इन्जॉयमेंट करने के बाद फिर अब हम वापस जा रहे हैं। ये रात 1 बज रहा है, देखें रश, देखें यार लोगों का अभी भी हुजूम जमा हुआ हुआ है और लोग अभी भी आ रहे हैं, गाड़ी आने वालों की। तो बस अब यहाँ से जाएंगे वापस घर की तरफ और फिर अल्लाह हाफिज़ करेंगे इन सबको, वकार भाई और अहमद को, और फिर कल का शेड्यूल आपके साथ शेयर करते हैं। चलते हैं, इजाज़त, फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह। चलें अहमद भाई, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों कैसे हैं? खैर से ठीक ठाक है। अगले दिन की सुबह हो गई है और वकार भाई भी आ गए हैं और हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मुनीब, उसके घर आए हैं, वो भी एक फार्मर हैं। हम जा रहे हैं असल में सोहराबगढ़ मवेशी मंडी जगह लेने के लिए, प्लॉट लेने के लिए। तब हम वहाँ पहुँचते हैं, बाकी की अपडेट आपको देते हैं कि प्लॉट कैसे लेते हैं, क्या तरतीब होती है, क्या मामलात होते हैं। आइए चलते हैं। क्या हो गया? फटा हो गया यार, ये मार रहे बेचारे गरीब को। कौन लोग? गरीब दिल्ला गरीब। लाल शर्ट वाले ने मारा और हंस के बैठ भी रहे, उसका बाप भी आगे साथ में। कुरैशी पट्टी के व्यापारी का यार, ये जो कराची के हालात है ना इस मामले में, क्या करें मनी भाई, हालात ख़राब हैं यार, क्या कहना चाहेंगे? वो ऊपर चढ़ गया, सीढ़ी ले ले। मेरे को जिंदगी में ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ी ले, सीढ़ी दो लेके जा। किधर गायब है भाई? इधर ही है, किधर ही जाएगा, इधर ही बैठा है भाई। तुम मिल ही नहीं रहा था, लोग पूछ रहा था किधर है मुस्तजाब भाई, गायब हो गया मार्केट से। कौन सा लोग है जो पूछ रहे हैं, हमको भी बताओ भाई। हम चाह रहे हैं पूछ रहे थे आपस में भाई, हम जा रहे थे पे ऑर्डर बनाने के लिए बैंक, तो बैंक जाते और आपस में बात करी, मशवरा किया, तो हमें आज जाके पता चला, कंफर्म हुआ कि पे ऑर्डर जो है वो चेक से बनता है, कैश से नहीं बनता। तो आपको मंडी में जगह लेने के लिए सबसे पहले तो चाहिए कैश, फिर आपको चाहिए एक अदद चेकबुक, फिर उसके बाद आपको चाहिए उसका फटा हुआ चेक, फिर आप वो लेके जाएंगे बैंक में, फिर आपका बनेगा पे ऑर्डर। आगे की डिटेल आपको देते हैं ज़रा सी देर के। तैयार हो रहा है पे ऑर्डर, तैयार होने के दरमियान जो वक्फा है उसमें हम बहुत एक लजीज चीज़ खाने के लिए आए हैं। ये लजीज चीज़ चाचा बना रहे हैं। ये माशाल्लाह, ये निकला, ये उसके बाद इसमें डलेगा मसाला और ये इसमें डलेगा प्याज और ये आई टाटरी और ये हो गया तैयार। अरे हलीम चावल। वकार भाई मज़ेदार के नहीं मज़ेदार? बगैर खाए मज़ेदार।
इत्तेफाकन मेरे पास जो चम्मच आया है वो किसी के मुंह का खाया हुआ है, तो उसका थूक और उसका चाट मसाला इसको मिला हुआ है, तो हम इसको पहले धोएंगे, फिर अपने थूक और अपना चाट मसाला लगाएंगे, फिर खाएंगे। मैंने देखा जिस चीज़ में चीज़ें धुल रही है वो यहाँ पे ये एवियन का पानी है, बस इसको दिखा नहीं सकते, तो हमने बोला बस गंदे पानी से धुल मर्तबा। अरे हम सभी आए थे, ये धोने वाला, ये बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद जाके ये पे ऑर्डर तैयार हो गया है कैटल मंडी 2022 के नाम से। अब ये लेकर जाएंगे मंडी में और फिर आगे की अपडेट आपको देते हैं। हो सकता है कि अगर मेजर साहब अपने कमरे में बुलाएं अगर, तो फिर वहाँ पे हम वीडियो शूट नहीं कर सकें, तो मैं फिर भी जैसा जैसा अपडेट होता रहेगी आपको अपडेट करता हूँ। आप लाइन देख रहे हैं, ये प्लॉट के लिए लाइन लगी हुई है। अच्छा दोस्तों, जब एक चीज़ और आपको मैं बताता चलूं कि जब भी आप आएँ प्लॉट के लिए बुक कराने के लिए मंडी में, तो सबसे पहले अपनी जगह ज़रूर विज़िट करके आएँ, क्योंकि जैसे ही ब्लॉक खुलता है तो मुश्किल से आधा घंटा घंटा दो घंटे में अच्छी अच्छी जगहें ख़त्म हो जाती हैं, जिस तरीके से अभी हमारे साथ हुआ। तो आप जब भी आएँ, जब प्लॉट खुलने का टाइम हो, ब्लॉक खुलने का टाइम हो कि फ़लाना ब्लॉक खुल रहा है और आपको उस ब्लॉक में लेने का इरादा हो, तो आप पहले से वो जगह दो तीन दफ़ा विज़िट करके उसका नंबर नोट करके आएँ, ताकि जब आपके सामने मैप हो तो आप डायरेक्ट उस जगह पे उंगली रखें और अपना पे ऑर्डर जमा कराएं और फिर अपना नाम लिखवा दें। हो सकता है एक आपका अगर रेफरेंस अच्छा हो, इसमें रेफरेंस भी चलते हैं, अगर आपका रेफरेंस अच्छा हो या आप पहले भी आ जाएं लाइन आपको ना मिले, तो आप आके एटलीस्ट दो तीन जगहें पेंसिल से मार्क करा लें कि भाई ये जगहें जो है वो आपके लिए होल्ड करा देंगे, फिर आधे घंटे अंदर घंटे के अंदर आप उस जगह विज़िट करके आके वो जगह बुक कर लें। तो ये एक बड़ा मसले आते हैं यहाँ पे, ये लाइन देख रहे हैं आप, ये बहुत सारे लोग इसमें से वो हैं जो वापस आके देखते हैं कि भाई ये प्लॉट समझ में नहीं आ रहा, या देख के गए हैं दोबारा देखने, नाम लिखवा के गए हैं देखने के लिए, गए वापस आए बुक हो चुका, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये लड़का सुबह से मेहनत कर रहा था प्लॉट के लिए, अभी प्लॉट कन्फर्म हुआ नहीं है, सर पे हाथ रख के बैठा है, तो देखें कल इंशाल्लाह या परसों इंशाल्लाह प्लॉट कन्फर्म हो जाएगा, नहीं आप कुछ नहीं बोल सकते। आप खाना खाने के लिए आ गए, तो ये बहुत मशहूर पिज़्ज़ा है मिस हैन का, बहुत अच्छा होता है, डिसेंट सा पिज़्ज़ा है, गुलिस्तान जौहर में ये परफ्यूम चौक के पास है, कभी आए तो ट्राई करें, हमें तो बड़ा मज़ा आता है, आप लोग खाएं देखें बताएं कैसा है, मज़ेदार मिल जाएगा प्लॉट, क्यों टेंशन ले रहा है। दोस्तों अभी फ़ोन आया था एक जानने वाले का, उन्होंने बुलाया कि दोपहर में जो हमने होल्ड करवाया था प्लॉट उसकी क्या सूरत हाल है, वो चाहते हैं जाके उसकी अपडेट लेते हैं कि हुआ कि नहीं। तो जनाब कुरैशी पट्टी पे दो पट्टियाँ बुक कर ली हैं, एक मुनि भाई की एक और दोस्त की, और एक प्लॉट था जानने वाले का वो भी बुक करा दिया है। अब आगे जिस तरीके से माल मार्शलिंग पे आता है जाता है, जो अपडेट होगी आगे आपको इंशाल्लाह वो भी बताएंगे। हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं और मुनि भाई मुझे छोड़ने के लिए आ गए हैं, और मुनि भाई कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ लतीफ़ा था इनके पास या कुछ कोट वोट सुना रहे थे। मुनि भाई कोई लतीफ़ा सुना रहे थे आप? नहीं नहीं लतीफ़ा नहीं, हर दफ़ा मतलब ऐसे हंसी मजाक के मूड में नहीं होता, इस दफ़ा चाक एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगा, इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, बताइए। कोट ऑफ द डे होता है, कोट ऑफ द डे, स्कूल में पढ़ते थे, कोट ऑफ द नाइट हो जाएगा। सही है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हालात आजकल के आपको पता ही है, तो एन एप्पल अ डे। एक और भी है कुछ ईजी वाइज हेल्दी हेल्दी एंड वाइज कुछ इस तरीके से था, तो वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज का जो आपको मैंने बता दिया है वो आप समझ गए होंगे। तो ये दो चीज़ें आपने अपने मजबूती से बांध लेनी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का बता दें, सब्सक्राइब करें ऐसे ऐसे खुला खुला सूखा सूखा, हम सफ़र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, बेल आइकन को दबा दें, और इसी के साथ अब आपसे लेते हैं इजाज़त, अपना बहुत सारा उस्मान बिला आ गया है, उस्मान बिला आ गया, चले इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक मिनट इनको दिखाना नहीं, वरना आपको पता है नैप के केस वगैरह चल रहे हैं, ये तो सारे मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।